वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। डेयर दोस्तों, मैंने विजिट किया शिरडी में वेंटिन जॉय वाटर पार्क को, तो उसी का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। इस वीडियो की शुरुआत मैंने साईं बाबा के प्यारे से स्टेचू के साथ किया है, जिसे आप लोग देख रहे थे। दोस्तों यहां पर देखिए, एक साइड में है वेंटिन जॉय वाटर पार्क और एक साइड में है साईं तीर्थ थीम पार्क। दोनों ही पॉइंट आपको एक ही लोकेशन पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखिये, ये वाटर पार्क में अंदर जाने के लिए स्पेस बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर पहले आपको लाइन में लगना होगा, पर मैं सुबह सुबह जल्दी आ गया था तो इसलिए थोड़ा सा टाइम था इसे ओपन होने में। इस वाटर पार्क का टाइमिंग जो है दोस्तों, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है, तो मैं यहां पर जल्दी आ गया था, सुबह 8 बजे आ गया था, तो 2 घंटे मुझे यहां पर रुकना पड़ा। ये पार्किंग के लिए स्पेस है, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो यहां पर पार्क कर सकते हैं। पे पार्किंग है, 2 व्हीलर का 50 रुपीज है, 4 व्हीलर का 100 रुपीज है। दोस्तों ये है साईं तीर्थ थीम पार्क, तो इसके भी अंदर आप विजिट कर सकते हैं। इसके अंदर कई डिफरेंट तरह के शो होते हैं, उसे यहां पर आप आकर देख सकते हैं। दोनों का टाइमिंग सेम था दोस्तों, तो इसलिए मैं एक ही लोकेशन पर विजिट कर पाया और ये मेरा छूट गया। तो फिर कभी और टाइम मिला तो वापस से जाकर मैं इसके अंदर का विजिट करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मैं एक ही दिन के लिए गया हुआ था दोस्तों, सुबह 6 बजे यहाँ पर मैं पहुंचा था, शाम को 6 बजे यहाँ से मैं रिटर्न अपने घर के लिए निकल गया था। बहुत ही प्यारा इस थीम पार्क को बनाया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग का ध्यान रखा जाता है और बहुत ही खूबसूरत इसे बनाया गया है अंदर से, और भी बेहद खूबसूरत है ये दोस्तों। इसे मैं अंदर से विजिट नहीं कर पाया, उसका अफसोस है मुझे, पर जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर यहाँ पर जाकर अंदर से विजिट करने वाला हूँ। यहाँ पर जो ये प्यारा सा चक्र बना हुआ है, तो 10 रुपए के नोट के पीछे जो फोटो है दोस्तों, इसी चक्र का है। यहाँ पर देखिए 10 का नोट भी बना हुआ है और उसी के ठीक सामने ये चक्र आपको देखने के लिए मिलेगा, तो बहुत ही प्यारा है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो इस थीम पार्क को आप जरूर विजिट करें। मैं वापस से आ गया हूँ वेंटिन जॉय वाटर पार्क के पास। यहाँ पर आपको सनग्लासेस मिल जाएगा, मोबाइल की सेफ्टी के लिए वाटरप्रूफ कवर भी यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों बना हुआ है, हाइट के ऊपर टिकट है, तो आपका क्या हाइट है आप यहाँ पर आकर नाप के उस हिसाब से यहाँ पर टिकट ले सकते हैं। यहाँ से आपका अंदर एंट्री है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, साईं तीर्थ थीम पार्क और वेंटिन जॉय वाटर पार्क का, दोनों का कम्बो टिकट मिल रहा था एक बढ़िया से डिस्काउंट के साथ। तो अगर आप दोनों ही विजिट करना चाहते हैं तो कम्बो टिकट यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आपका पूरा प्रॉपर चेकिंग होगा दोस्तों, आप गुटखा नहीं अंदर ले जा सकते हैं, अदर्स और भी कई चीजें अंदर वाटर पार्क में नहीं ले जा सकते हैं। तो अगर आप बैग लेके आ रहे हैं या कुछ भी लेकर आ रहे हैं तो पूरा आपका प्रॉपर चेक होगा, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको वाटर पार्क का टाइमिंग दिख जाएगा, यहाँ पर वाटर पार्क के टिकट प्राइस आपको दिख जाएंगे और अंदर जो भी वाटर स्लाइड है, जो भी एक्टिविटीज है, उसके यहाँ पर फोटो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे कि अंदर कौन कौन सा एक्टिविटीज है। बोर्ड के अगर नीचे आप देखेंगे तो साईं तीर्थ थीम पार्क के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सा शो वहाँ पर होता है। जो लाइन आप देख रहे हैं टिकट काउंटर के पास जाने के लिए लाइन लगा हुआ दोस्तों, क्योंकि टिकट काउंटर चालू नहीं हुआ था तो यहाँ पर रोक कर रखा गया था। 8 टिकट काउंटर है दोस्तों, यहाँ पर आपको ज्यादा वेटिंग नहीं करना पड़ेगा, फटाफट यहाँ पर आपको टिकट मिल जाएगा। टिकट का जो प्राइस है दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड पर लिखा गया है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। टिकट प्राइस दोस्तों कम ज्यादा होते रहता है, यहाँ पर ऑफर भी आते रहता है, तो जब मैं यहाँ पर गया हुआ था उस समय का आपको टिकट प्राइस दिखा रहा हूँ। इस बोर्ड को आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, यहाँ का जो भी रेट लिस्ट है इस बोर्ड पे पूरा डिटेल दिया गया है। टिकट मिलने के बाद वापस से एक बार यहाँ पर चेक होगा दोस्तों, उसके बाद अंदर जाने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको कॉस्ट्यूम रेंट पे मिल जाएगा, लॉकर रेंट पे मिल जाएगा। ये बड़ा सा स्पेस यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर भी आपको ज्यादा वेटिंग नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर इस बोर्ड को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो लॉकर है उसके रेंट के बारे में बताया गया, जो यहाँ पर कॉस्ट्यूम है उसके रेंट के बारे में बताया गया है। और ये मैं आ चुका हूँ लॉकर रूम के अंदर। ये जो लॉकर आप देख रहे हैं इसका रेंट है 150 रुपया दोस्तों, ये वाले लॉकर का 200 रुपया रेंट है। ये डिजिटल लॉकर है, इसे ओपन करने के लिए आपको एक बैंड मिलेगा, तो कुछ इस तरह से इसका लॉक है दोस्तों। इस बैंड को आपको यहाँ पर स्कैन करना है, ये ओपन हो जाएगा। क्लोज करने के लिए बस आपको डोर को प्रेस करना है, क्लोज हो जाएगा। अंदर अच्छा खासा स्पेस है, 1 से 2 बैग आराम से इसके अंदर आ सकते हैं। 3 डिफरेंट स्पेस के यहाँ पर लॉकर अवेलेबल है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। इसी लॉकर रूम में आपको चेंजिंग के लिए स्पेस दिख जाएगा दोस्तों, अलग से कोई सेपरेट रूम यहाँ पर चेंजिंग के लिए नहीं है, यही लॉकर के रूम में आपको चेंजिंग करना है। दोस्तों यहाँ पर मुझे दिखा एक बड़ा सा ग्रुप जो आया हुआ है इस वाटर पार्क को विजिट करने, तो अगर आप भी सीडी आ रहे हैं तो इस वाटर पार्क को आप भी विजिट करें, बहुत ही बढ़िया ये वाटर पार्क है। अंदर आते ही पहले आपको यहाँ पर वेंटिन जॉय का लोगो दिख जाएगा, यहाँ पर एक ये ब्रिज बना हुआ है और ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये लेजी रिवर है दोस्तों, जो इसका टाइमिंग 12:30 बजे से ये स्टार्ट होता है। बहुत से यहाँ पर आपको एरो दिख जाएंगे, जो यहाँ पर पॉइंट है उसके नाम लिखे गए हैं, आप उस एरो की मदद से विजिट कर
सकते हैं। दोस्तों जब आप वाटर पार्क के अंदर आने के लिए टिकट लेते हैं तो वहां पर आपको फूड के लिए भी पूछा जाता है, अगर आप यस करते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज वो लगाते हैं, आपको वहीं पर कूपन दे दिया जाएगा। यहां पर आप अंदर आकर कूपन दिखाकर खा सकते हैं। क्या खाने के लिए मिलता है आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये राइड देखिए दोस्तों, ये स्विंग चेयर है, आप इसे भी यहां पर आकर एंजॉय कर सकेंगे। यहां पर ये छोटे बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बना हुआ है और एक्टिविटीज है। ये देखिए दोस्तों, ये है स्विमिंग पूल और इसके अंदर अटैच है कई वाटर स्लाइड, छोटे बड़े कई डिफरेंट तरह के इसके अंदर वाटर स्लाइड अटैच है। तो यहाँ पर आप आकर बड़े और बच्चे दोनों ही एंजॉय कर सकेंगे। बहुत ही बढ़िया था दोस्तों ये वाला, ज्यादा डीप नहीं था तो छोटे बच्चे बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर मैंने देखा जो यहाँ के स्टाफ हैं, पहले यहाँ पर इनकी मीटिंग होती है सुबह सुबह, उसके बाद अपने कामों पर ये लग जाते हैं। यहाँ पर आपको पहले बच्चों के लिए वाटर स्लाइड दिखेगा, इसके अंदर बड़े अलाउ नहीं है दोस्तों। तो मीटिंग चालू था तो यहाँ पर कोई नहीं था स्टाफ, तो मैं ऊपर चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। जब यहाँ पर स्टाफ आ जाते हैं तो बड़ों को अलाउ नहीं करते हैं, तो चलिए चल के दिखाता हूँ ऊपर से। ये जो बच्चों की राइड है काफी बढ़िया राइड है दोस्तों, और ये जो ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बना हुआ है ये इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा आपको मगरमच्छ बना हुआ दिखेगा और तीन डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आपको वाटर स्लाइड दिखेंगे। कुछ इस तरह से ये स्पेस है दोस्तों जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और बड़ों के लिए यहाँ पर काफी सारी वाटर स्लाइड है दोस्तों, जिसे यहाँ पर बड़े आकर बहुत ही बढ़िया से एंजॉय कर सकते हैं, जैसा कि ये सब आप लोग देख पा रहे हैं। 24+ यहाँ पर वाटर स्लाइड है, एक से बढ़कर एक एडवेंचर वाटर स्लाइड यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप आएंगे तो ये सब वाटर स्लाइड यहाँ पर आप आकर एंजॉय कर सकेंगे। स्टाफ की यहाँ पर अभी मीटिंग चालू है। सबसे बढ़िया ये मुझे लगता है दोस्तों, ये जो पानी गिरता है ऊपर से, इसके नीचे खड़े होकर आप काफी ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे। और ये रहा रिंग डांस, यहाँ पर तीन डिफरेंट टाइप के रिंग डांस के स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये पूरा पैक है दोस्तों, काफी लाउड इसके अंदर डीजे चलता है, आप आइए इस रिंग डांस के अंदर कुछ इस तरह से एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप ग्रुप में आते हैं तो आप काफी ज्यादा ऐसे लोकेशनों पर एंजॉय कर सकेंगे कुछ इस तरह से। और भी आगे मैं दो आपको दिखाऊंगा रिंग डांस, अलग अलग तीन डिफरेंट टाइप के यहाँ पर रिंग डांस अवेलेबल है। वीडियो में एंड तक बने रहे दोस्तों। ये वाला जो पॉइंट है ये है साक हाउस, इसके अंदर कई डिफरेंट तरह के वाटर स्लाइड है छोटे बड़े, इसके अंदर छोटे बच्चे और बड़े दोनों ही काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। बहुत ही बढ़िया ये पॉइंट बना हुआ है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसके अंदर जो ये सब वाटर स्लाइड है ये नॉर्मल वाटर स्लाइड है, इसमें बच्चे और बड़े बहुत ही आसानी से एंजॉय कर पाते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है दोस्तों। और इसी के चारों तरफ से आपको दिख जाएगा ये लेजी रिवर, इसके अंदर ट्यूब में बैठकर आप चारों तरफ से घूम सकते हैं। ये जो पॉइंट है दोस्तों इसी के चारों तरफ आपको घूमने के लिए मिलेगा, आगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। 12:30 बजे से लेजी रिवर का स्टार्टिंग होता है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये है बेवपुल, काफी बड़ा बेवपुल है दोस्तों इस वाटर पार्क में, सबसे बढ़िया ये मुझे लगा, यहाँ पर मैंने बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया। आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका टाइमिंग सब कुछ आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को एक एक करके यहाँ के सभी पॉइंट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सुबह में जल्दी आया हुआ था दोस्तों, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, तो जैसे ही वाटर पार्क ओपन हुआ मैं तुरंत अंदर आ गया। अभी इस वाटर पार्क को यहाँ के स्लाइड को स्टार्ट नहीं किया गया है, यहाँ के स्टाफ लोगों की मीटिंग चालू है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके थे। बहुत ही बढ़िया इस वाटर पार्क में मुझे आके लगा दोस्तों, अगर आप शिरडी आ रहे हैं तो इस वाटर पार्क को आपको जरूर विजिट करना चाहिए। यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को दिखाया है, जो कि समय समय पर चेंज होते रहता है। तो जब आप यहाँ पर आते हैं पहले बाहर अच्छे से इंक्वायरी कर ले, उसके बाद टिकट लेकर आप अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए एक मगरमच्छ बना हुआ कुछ इस तरह से, उसके मुंह से नीचे पानी गिरता हुआ, ये बच्चों वाली राइड है दोस्तों। तो एक एक करके मैं आप लोगों को सभी राइड यहाँ का दिखाने वाला हूं दोस्तों। अगर आप इस लोकेशन पर आते हैं तो काफी ज्यादा इंजॉय करेंगे, आप अपने फैमिली के साथ आइए, बहुत ही ज्यादा इंजॉय करेंगे। बेंटन जो है दोस्तों एक लोनावाला में भी है और ये शिरडी में है, तो मैं यहीं पर चले गया विजिट करने, मुझे शिरडी भी थोड़ा सा घूमना था। टाइम कम होने की वजह से मैं अच्छे से शिरडी विजिट नहीं कर पाया, फिर नेक्स्ट टाइम कभी टाइम निकाल के एक दो दिन के लिए यहाँ पर जाऊंगा। मुझे लगा एक दिन में अच्छे से मैं विजिट कर पाऊंगा, जो कि नहीं पॉसिबल है दोस्तों। सिर्फ इस वाटर पार्क को ही विजिट करने में पूरा दिन चले गया। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो वापस से जरूर एक बार यहाँ पर मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर कई और ऐसे लोकेशन है जिसके मुझे वीडियो बनाकर अपलोड करना है, पर उसके लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। सपोर्ट बस इतना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और आपका जो भी सुझाव है कमेंट करे। ये ऊपर जा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए ये रहा वाटर स्लाइड कुछ इस तरह से है। तो एक एक करके यहाँ के जो वाटर स्लाइड है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और मुझे डर लग रहा था इसलिए यहाँ पर मैंने ज्यादा वाटर स्लाइड को ट्राई नहीं किया है। जो भी ट्राई किया है वीडियो बनाया है, एंड तक बने रहे, सब कुछ दिखाऊंगा दोस्तों। अभी जो मैं आप लोगों को ऊपर से दिखा रहा था वही ये वाटर स्लाइड है, नीचे आकर कुछ इस तरह से एंडिंग होता है।
काफी बढ़िया है दोस्तों, और ये वाला तो काफी खतरनाक है दोस्तों। कुछ इस तरह से आप नीचे की तरफ जाएंगे फिर वापस से आएंगे, तो ये वाला भी काफी डेंजर था। आपको डर लगता है तो यहाँ पर आप अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे दोस्तों मेरी तरह। अगर आपको डर नहीं लगता है तो आप बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एंजॉय कर पाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से दो दो लोग जाते हैं नीचे की तरफ, काफी मजेदार है पर काफी डर लगता है दोस्तों। डर को भगाइए दूर और आकर एंजॉय करिए विंट एंजॉय वाटर पार्क में, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। ये आ चुका हमें नीचे की तरफ, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है, यहाँ से आप इसे वाटर स्लाइड का वीडियो बना सकते हैं। आप अगर किसी के साथ आते हैं, आप अपना वीडियो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर खड़े होकर वीडियो बना सकते हैं। काफी बड़े बड़े यहाँ पर वाटर स्लाइड हैं, 24+ वाटर स्लाइड हैं दोस्तों, सभी को आप यहाँ पर आकर एंजॉय कर पाएंगे। एक करके सभी वाटर स्लाइड में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दोस्तों, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना बढ़िया से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। ये दूसरा वाटर स्लाइड है दोस्तों, कुछ इस तरह से है, राउंड राउंड घूमने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर आपका एंडिंग होगा। काफी सेफ्टी के साथ आप ये सभी राइड एंजॉय करें अगर आप यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो स्टाफ है वो भी आपके सेफ्टी का बहुत ही ध्यान रखते हैं दोस्तों, तो आप भी अपना ध्यान रखें दोस्तों। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपका पूरा दिन कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर इतने बढ़िया बढ़िया वाटर स्लाइड है दोस्तों। आप सभी को जब अच्छे से एंजॉय करेंगे तो आपका दिन फटाफट निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ट्यूब को ऊपर भेजने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पर मशीन लगा हुआ है, आपको ट्यूब लेकर ऊपर नहीं जाना है, यहाँ पर पूरा प्रॉपर बना हुआ है दोस्तों। अदर्स और भी वाटर पार्क में आप जाएंगे तो आपको खुद को ट्यूब लेकर ऊपर जाना रहता है, फिर वहां से आपको स्लाइड करके नीचे आना रहता है, पर यहाँ पर नहीं दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरह से बना हुआ है, ट्यूब को खुद आपो आप ऊपर जाता है, आपको सिर्फ ऊपर जाना है, वहां से स्लाइड करके नीचे आना है। यहाँ पर जिन कचराग भी है जिससे पानी निकल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आप आकर नहाएंगे दोस्तों। अगर कुछ आप खाना पीना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टॉल भी अवेलेबल है, कैंटीन भी अवेलेबल है, यहाँ पर आप खा पी सकते हैं, पर उसका आपको अलग से पे करना होगा। यहाँ का ये आसपास का मैं आप लोगों को स्पेस दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर स्टाफ लगे हुए हैं, ट्यूब को वो ऊपर भेजते हैं, आपको सिर्फ जाकर यहाँ पर राइड करना है। यहाँ पर देखिए सुपर हीरो है, ये वाले राइड में मैंने एंजॉय किया था दोस्तों, मुझे काफी ज्यादा मजा आया था। अभी ये मैं आप लोगों को नीचे से दिखा रहा हूँ, ऊपर चल के भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहाँ पर राइड है। ये राइड मुझे काफी सेफ लगा, आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर मैंने जो फूड खाया है वो भी आगे आप लोगों को दिखाऊंगा, काफी बढ़िया था दोस्तों। और ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, अगर आप चलते चलते थक जाते हैं तो यहाँ पर बैठने के लिए चेयर भी बना हुआ है, वहां पर आप आराम से आकर बैठ सकते हैं। ये देखिए ये वाले राइड में कितना बढ़िया से लोग इंजॉय करते हुए। मैं अभी आ चुका हूँ लेजी रिवर में, तो ये राइड इंजॉय करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दोस्तों। ये एक बार ही इंजॉय करने देते हैं, जो आपका बैंड रहता है उस पर मार्कर से निशान कर देते हैं, दोबारा नहीं आने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लंबी लंबी लाइन लग जाती है। तो पहले एक बार वो सभी को इस राइड को एंजॉय कराते हैं, वापस से जब टाइम बचता है आप रिक्वेस्ट करिए तो ये वो आपको वापस से भी आने देंगे। कुछ इस तरह से ट्यूब में बैठकर इस लेजी रिवर का आप मजा ले सकते हैं। यहाँ पर लहरें उठती हैं, उस लहरों में आप कुछ इस तरह से ट्यूब में बैठकर यहाँ पर एक राउंड लगा सकते हैं, 15 से 20 मिनट का ये राउंड रहता है दोस्तों। अगर आप बीच में कहीं कहीं पर रुकते हैं तो आपको और भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर इसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा मज़ा करेंगे। मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया दोस्तों इस लेजी रिवर में। 12:30 बजे से ये स्टार्ट होता है दोपहर में, उसके बाद शाम तक ये स्टार्ट ही रहता है। एक एक करके जो यहाँ पर लोग आए हुए रहते हैं सभी इसके अंदर इंजॉय करते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा ग्रुप आया हुआ था, यहाँ पर रुक गए थे ये लोग, फिर थोड़ी देर के बाद वापस से आगे की तरफ बढ़े। ग्रुप में अगर आप यहाँ पर आते हैं, फैमिली ग्रुप हो गया या फ्रेंड ग्रुप हो गया, तो आप बहुत ही ज्यादा इंजॉय करेंगे। लेजी रिवर के चारों तरफ से यहाँ पर इनका स्टाफ अवेलेबल रहता है दोस्तों, अगर किसी का हाइट कम है, गिर जाए, डूबने लगे, तो वो फटाफट उसकी मदद करते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को लेकर आते हैं इसके अंदर तो आप उनका ध्यान रखें दोस्तों। कुछ इस तरह से लहरों का मजा लेते हुए एक तरफ से स्टार्ट होता है, दूसरी तरफ जाकर एंड हो जाता है, बहुत ही बढ़िया ये मुझे लगा दोस्तों। इससे पहले मैंने एक बीके वाटर पार्क को विजिट किया है जो कि है डुम्बोवली में, तो वहां पर भी ये है दोस्तों। तो ये वाले में काफी मजा आता है, ना ज्यादा रिस्क रहता है, सिर्फ बैठ जाओ ट्यूब में, कुछ इस तरह से लहरों का आप आनंद लेते हुए एक छोर से दूसरी छोर पर चले जाते हैं दोस्तों। ये रहा रिंग डांस, कुछ इस तरह से ये ओपन रिंग डांस है, और इसी के बाजू में एक और रिंग डांस है, तो तीन डिफरेंट तरह के यहाँ पर आपको स्पेस दिख जाएंगे रिंग डांस के। ये वाला देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो ग्रुप आया हुआ था बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहा था दोस्तों, तो तीन यहाँ पर अलग डिफरेंट तरह के रिंग डांस के स्पेस बने हुए हैं, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आपको मजा आएगा। फुल लाउड में यहाँ पर डीजे बजता रहता है, कुछ इस तरह से उस डीजे पर आप यहाँ पर नाच सकते हैं। और यहीं पर ये लेजी रिवर है, इसी के पास रिंग डांस है दोस्तों, यहाँ से आपको ये लेजी रिवर दिख जाएगा। कुछ इस तरह से इस लेजी रिवर में आप इंजॉय कर सकते हैं,
कुछ इस तरह से यहाँ पर रिंग डांस में आप इंजॉय कर सकते हैं। काफी बढ़िया ये वाटर पार्क मुझे लगा, आपको कैसा लगा? अगर आप यहाँ पर गए हैं, आपका जो भी एक्सपीरियंस है कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें दोस्तों, बैड है या गुड है, जो भी एक्सपीरियंस है आप कमेंट के माध्यम से शेयर करें। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मुझे काफी बढ़िया लगा था दोस्तों। वापस से मैं गया तो अंदर नहीं जाने दिए, वो मना कर दिए। फिर शाम को जब 4 बजे यहाँ पर लोग कम हो गए, फिर मैं वापस से इसके अंदर गया हुआ था, तो 2 बार इसके अंदर मैं जाकर बैठा हुआ था। मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया, क्योंकि वाटर स्लाइड में डर लगता है मुझे दोस्तों, तो इसमें ही मैंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया, रिंग डांस में बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया, और ये वाले सभी वाटर स्लाइड को मैंने एंजॉय किया, क्योंकि ये सभी वाटर स्लाइड छोटे छोटे थे दोस्तों, तो इसके अंदर एंजॉय करने में काफी ज्यादा मजा आया। एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये जो शार्क हाउस है पॉइंट, इसी के अंदर ये सब छोटे बड़े वाटर स्लाइड अटैच है दोस्तों। ऊपर जाने के लिए कुछ इस तरह से सीढ़ियों का आप इस्तेमाल करके ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पर पानी गिरते रहता है, बहुत ही मजा आता है। ये सभी वाटर स्लाइड को बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत ही बढ़िया से एंजॉय कर पा रहे थे, इसलिए यहाँ पर लाइन भी लगा हुआ था दोस्तों। तो लाइन में लगकर एक एक करके मैं वाटर स्लाइड को एंजॉय किया, और यहाँ से जो ये पानी गिरता है इसके नीचे खड़े होकर आप बहुत ही बढ़िया से एंजॉय कर सकेंगे कुछ इस तरह से। तो बहुत ही अच्छा ये पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पर जो ये वाटर स्लाइड है, ये भी मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा रहा हूँ। ये छोटा सा ही वाटर स्लाइड था, इसमें छोटे बच्चे बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, बड़े भी जो डर रहे थे यहाँ पर आकर कर रहे थे। वापस से मैं ऊपर जाता हुआ दोस्तों, ऊपर जाने के टाइम आप थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पर स्लिप भी होता है, तो आप आराम से चलकर ऊपर की तरफ जाएं। पर देखिए दोस्तों, ये छोटा सा बच्चा आगे जाता हुआ, उसके पीछे मैं जाने वाला हूँ। एक चीज का आप ध्यान रखें, कॉटन का कपड़ा अपना पहने, कॉटन का कपड़ा अगर आप पहनते हैं तो आप अच्छे से राइड को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बीच बीच में रुक जाएंगे। मैंने कॉटन का कपड़ा पहन रखा था, तो आप कुछ ऐसा पहन के आए जो स्लिप करता हो, तो काफी अच्छे से आप एंजॉय कर पाएंगे। एक एक पॉइंट में आप लोगों को दिखाता हुआ दोस्तों, ये दूसरे वाले वाटर स्लाइड में मैं जा रहा हूँ। ये पूरा पैक था दोस्तों, अंदर पूरा अंधेरा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, पर मजा बहुत आ रहा था। पर मेरे साथ एक दिक्कत हो गई दोस्तों, मैंने जो कपड़ा पहन रखा था कॉटन का था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्लिप ही नहीं हो रहा था। बड़ी ही मुश्किल से थोड़ा बहुत मैंने जो अंदर का वीडियो बनाया है वाटर स्लाइड का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, नहीं तो यहाँ पर कॉस्ट्यूम भी रेंट पे मिलता है, तो मैं वो कॉस्ट्यूम रेंट पे ले लेता और सभी वाटर स्लाइड को अच्छे से एंजॉय कर पाता, और बहुत ही बेस्ट प्राइस में यहाँ पर कॉस्ट्यूम रेंट पे मिलता है। तो अगर आप आते हैं, कॉस्ट्यूम नहीं लेकर आते हैं, तो यहाँ पर रेंट पे ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक एक करके सभी वाटर स्लाइड मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, पर मुझे एंजॉय करने के लिए अच्छे से नहीं मिला, सभी में यही प्रॉब्लम आ रहा था। मुझे उस समय नहीं पता था, जब मैं बीके वाटर पार्क में गया तभी मुझे पता चला, वहाँ के जो स्टाफ थे उन्होंने मुझे अच्छे से बताया दोस्तों कि अगर आप कॉटन के कपड़े पहन के आते हैं तो जो वाटर स्लाइड है आप बीच बीच में रुक के कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पर मुझे किसी ने नहीं बताया था दोस्तों, तो इसलिए जो मैं कॉटन का कपड़ा लेके गया था वही पहनकर यहाँ पर राइड कर रहा था। तो मुझे लग रहा था कि पानी का फोर्स कम है तो इसलिए रुक रहा हूँ, पर जब मैं बीके वाटर पार्क में गया तो वहाँ पर मेरा जो ये प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। नहीं तो मैं जितने भी वाटर पार्क में जाता था कॉटन का कपड़े लेके जाता था और राइड अच्छे से मैं एंजॉय नहीं कर पाता था। बीके वाटर पार्क का मैंने वीडियो इससे पहले अपलोड कर रखा है, तो उसे भी आप जाकर देखिए। अगर आप मुंबई के नियर में रहते हैं तो उस वाटर पार्क को आपको जरूर विजिट करना चाहिए, बहुत ही बेस्ट प्राइस में बहुत ही बढ़िया वाटर पार्क है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर ये लेजी रिवर पर लोग इंजॉय करते हुए। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं बड़ी ही मुश्किलों से ऐसे लोकेशनों पर पहुंच पा रहा हूं दोस्तों, ये हमारे भिमंडी से काफी दूर है दोस्तों, तो ये लोकेशन पर जाकर वीडियो बनाकर बड़ी ही मेहनत से मैं अपलोड कर रहा हूँ। इस मेहनत को सफल करें दोस्तों। मैं भिमंडी से इस लोकेशन पर कैसे गया वो भी पूरा डिटेल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों। मेरा फ्राइडे के दिन छुट्टी रहता है, तो उसके एक दिन पहले रात में 10 बजे जो भिमंडी कल्याण बाईपास है वहां पर गया। वहां से रात को 11 बजे मुझे बस मिला, सुबह 6 बजे मैं सिडनी पहुंच गया दोस्तों, क्योंकि ट्रेन का मैं टिकट बुकिंग कर रहा था। एक दिन पहले ही मेरा यहां पर जाने के लिए प्लान बना, तो ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा था जाने के लिए। वापस मैं ट्रेन से ही आया था, सिडनी से कल्याण में ट्रेन से ही आया हुआ था। यहाँ के आसपास का आप नजारा देखिए, और मैं यहाँ कैसे पहुंचा, कितने तकलीफों से पहुंचा, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सुबह 6 बजे मैं सिडनी पहुंच गया, 10 बजे ये वाटर पार्क ओपन होता है। 4 घंटे मैं ऐसे ही यहाँ पर भटकता रहा, घूमता रहा। सुबह का टाइम था तो ज्यादातर यहाँ पर सब कुछ क्लोज ही था, चाय नाश्ता मिल रहा था तो मैंने चाय नाश्ता किया और यहाँ पर आकर 8 बजे बाहर बैठ गया। जैसे ही वाटर पार्क ओपन हुआ तो मैंने इस वाटर पार्क को विजिट किया। मैं बहुत ही थका हुआ था दोस्तों, क्योंकि रात में सही से सोने के लिए नहीं मिला हुआ था। मैं जिस बस से गया हुआ था वो सिटी
मीटिंग बस थी दोस्तों, तो इसलिए अच्छे से सोने के लिए नहीं मिला था। तो नींद ना हो तो दिन में मजा नहीं आता है। यहाँ पर देखिए ये कुछ आर्टिस्ट है, ये अपना आर्ट यहाँ पर दिखाते हैं। वाटर पार्क का ही ये स्टाफ है दोस्तों, कुछ इस तरह से ये आपको एंटरटेन करने के लिए आर्ट करते रहते हैं। तो आप इन्हें देख सकते हैं, काफी डेंजर ये स्टैंड करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इन्हें देखने में भी मजा आता है दोस्तों, ये कुछ ही टाइम के लिए होता है, तो आप ध्यान रखें जब यहाँ पर जाते हैं। देख रहे हैं आप लोग क्या खतरनाक एक्शन कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने देखा शिरडी में कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे यहाँ पर होटल मिलता है, बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पर। अगर आप लो प्राइस में लेना चाहते हैं तो लो प्राइस में ले सकते हैं, हाई प्राइस में लेना चाहते हैं तो हाई प्राइस में ले सकते हैं, सभी तरह के यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया से आप यहाँ पर रुक पाएंगे, यहाँ पर रह पाएंगे, क्योंकि ये शिरडी है दोस्तों साईं बाबा का यहाँ पर मंदिर है। बहुत सारे लोग बहुत से अलग अलग लोकेशनों से यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए। तो यहाँ पर ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है बहुत ही अच्छी है, यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत ही अच्छे लोग हैं दोस्तों। मैंने देखा जब मैं यहाँ पर सुबह उतरा था बस स्टॉप के पास, तो वहाँ पर लोग खड़े रहते हैं 20 रुपये में 50 रुपये में आपको फ्रेश होने के लिए रूम दे देंगे, आप बाथरूम जा सकते हैं, नहा सकते हैं, क्योंकि मंदिर में दर्शन करना रहता है। तो फ्रेश होने के लिए अगर आपको रूम चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, अगर आपको आपका सेपरेट रूम चाहिए तो 200, 250, 300, 500 जैसा आप रूम लेना चाहें दोस्तों वैसा ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये शहर मुझे लगा, बहुत ही अच्छे लोग यहाँ के लगे। अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों मैं बेवपुल की तरफ, बेवपुल का ये टाइमिंग है दोस्तों आप देख सकते हैं 30 मिनट के लिए 3 बार ये ओपन होता है, 30-30 मिनट तक रहता है दोस्तों। तो इसके अंदर आकर आप लहरों का मजा ले सकते हैं, काफी बड़ा बेवपुल है। इस बेवपुल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है दोस्तों, एक साइड में फैमिली रहती है और एक साइड में जो जेंट्स लोग आते हैं उनको किया गया है। अगर फैमिली के साथ जेंट्स है तो आप उनके साथ जा सकते हैं, नहीं तो जो ये जेंट्स वाला साइड है आप यहीं पर आपको रुकना होगा। बहुत ही बड़ा बेवपुल है दोस्तों, आप लोग देखिए ये साइड में फैमिली है और इसका चौपाटी भी बना हुआ है, यहाँ पर बैठने के लिए स्पेस भी बना हुआ है, तो आप समुंदर वाला बेव यहाँ पर आकर ले सकते हैं। ये छतरी है, छतरी से भी पानी कुछ इस तरह से गिरते रहता है। तो बेवपुल मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, बहुत ही क्लीन लगा दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे इस वाटर पार्क को विजिट करने, तो ये इंजॉय करते हुए आप भी आइए, फैमिली के साथ आइए, बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर लगेगा दोस्तों। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ये पानी है इसे बढ़िया और क्लीन करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो ये चीज का आप ध्यान रखें कि आपके शरीर के अंदर ये पानी ना जाए, कि बच्चों के शरीर के अंदर ना जाए, क्योंकि उससे आप भी बीमार हो सकते हैं, आपके बच्चे बीमार हो सकते हैं। मेरे दोस्तों स्किन पर पूरा रिएक्शन हो गया था जब मैं यहाँ से वापस अपने घर पर आया, दूसरे तीसरे दिन देखा तो पूरा रिएक्शन हो गया था। तो बहुत ही ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपका स्किन सूट नहीं करता है तो बहुत ही ज्यादा आपको तकलीफ हो सकती है। यही वाटर पार्क नहीं दोस्तों, आप जो भी वाटर पार्क में जाएंगे सभी जगहों का यही हाल है, पानी को क्लीन करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है पर वो केमिकल आपको तकलीफ दे सकता है। तो ये चीज का आप ध्यान रखें, उस हिसाब से आप यहाँ पर एंजॉय करें दोस्तों। ये देख रहे हैं आप लोग कितना क्राउड यहाँ पर आया हुआ है और बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर सब इंजॉय कर रहे थे दोस्तों, लहरों का मजा ले रहे थे। देख रहे हैं आप लोग पानी तो देखिए कितना बढ़िया कितना क्लीन है, पर वही बात है दोस्तों जो केमिकल इसमें यूज किया गया है वो बहुत ही हानिकारक है। इस पॉइंट पे भी बहुत ही लाउड डीजे बजते रहता है, तो उस डीजे पे आप डांस करते हुए इस बेवपुल का मजा ले पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों स्टाफ अवेलेबल रहता है कि अगर कोई बच्चा आगे डीप में चले जाए तो उसके सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर क्लीनिंग का बहुत ही बढ़िया ध्यान रखा जाता है, आप अगर किनारों पर खड़े होंगे तो ऐसा लगेगा कि आप किसी समुन्द्र के किनारे पर आए हुए दोस्तों, किसी चौपाटी पे आए हुए हैं, आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर बैठने के लिए स्पेस भी बना हुआ है, जो बेवपुल का मजा नहीं ले रहे थे वो साइड बैठकर अपना एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे, डीजे पे डांस कर रहे थे। तो बहुत ही बढ़िया ये बेवपुल है बेंटन जॉय वाटर पार्क के अंदर दोस्तों, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहा है तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं बहुत सारे लोकेशनों का वीडियो बनाकर अपलोड करना चाहता हूँ दोस्तों, कपड़े की शॉप के अंदर का वीडियो बनाकर अपलोड करना चाहता हूँ, अदर्स और भी गैजेट के शॉप के अंदर का वीडियो बनाकर अपलोड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी वो पॉसिबल हो पाएगा दोस्तों। 2-3 साल से मैं कुछ इस तरह से ही वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे वीडियो में सुधार भी आ रहा है। अगर आप लोग पहले का वीडियो देखेंगे अभी का वीडियो देखेंगे तो बहुत फर्क दिखेगा आपको, इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे चलकर बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाकर अपलोड कर पाऊंगा। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों क्या लहरें उठ रही है, कुछ ऐसा आप यहाँ पर आकर बेवपुल में एंजॉय कर पाएंगे जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था दोस्तों।
जो लेजी रिवर है यहाँ पर, ये सबसे बढ़िया है दोस्तों। यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, देख रहे हैं आप लोग कुछ ऐसा है, यहाँ पर आप आकर इस लेजी रिवर में एंजॉय कर पाएंगे। देख रहे हैं आप लोग ऐसा आप बीच बीच में रुक सकते हैं जैसा ये रुके हुए हैं, तो इस लेजी रिवर को आप जरूर ट्राई करिएगा दोस्तों, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। यहीं पर एक चेयर बना हुआ है, आई लव वेंटन जॉय का लोगो लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप फोटो खींचकर अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करें, जो आपसे जलते हैं उन्हें जलाइए, क्योंकि दोस्तों आज के समय में जलने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे और आपसे खुश होने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। यहाँ पर काफी सारे स्टॉल है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप कुछ खाना पीना चाहें तो यहाँ पर आप खा पी सकते हैं। सेटिंग के लिए यहाँ पर आपको चेयर टेबल मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप बैठकर यहाँ से जो भी लेकर खाना चाहें अच्छे से खा पी सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया फ्रेश सब कुछ यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आप फिश पेडिकोर भी करवा सकते हैं और यहीं पर आपको मैजिक शो दिख जाएगा, तो अगर आप मैजिक शो में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर बैठ कर मैजिक शो देख सकते हैं। ये वाटर पार्क में दोस्तों आपके एंटरटेन का पूरा ध्यान रखा गया है, ठीक है। अंदर आपको साईं बाबा का मंदिर भी दिख जाएगा, तो यहाँ पर आप साईं बाबा के दर्शन भी कर सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पर खाना खाने के लिए, तो क्या मिलता है मुझे वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मैं जब टिकट लिया था दोस्तों तो वहीं पर इसका वाउचर ले लिया था, तो अगर आप वहाँ पर लेते हैं तो भी आप यहाँ पर आकर खा सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पर अलग से पे करके खा सकते हैं अगर वो स्टार्टिंग में आपने वाउचर नहीं लिया है। मुझे यहाँ पर पुलाव मिला था, पाव भाजी मिला था और आम रस मिला था, तो कुछ इस तरह से ये थाल रहती है, लिमिटेड रहती है दोस्तों, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड नहीं मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया था, फूड बहुत ही अच्छा था, टेस्ट बहुत ही अच्छा था, कुछ इस तरह से मिला था दोस्तों। यहाँ पर सिटिंग के लिए स्पेस है, आप कुछ इस तरह से थाली ला कर बैठ कर आराम से खा सकते हैं। जहाँ पर ये बैठ के मैं खा रहा हूँ दोस्तों, ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है, तो जो भी आपको कुछ खाना पीना है यहाँ पर आप अलग से लेकर खा पी सकते हैं, अलग अलग काउंटर बने हुए दोस्तों। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखें कि उसका आपको अलग से पे करना होगा, टिकट में कुछ भी यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। कुछ इस तरह से स्पेस है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया साफ सुथरा है, और इसी के पास ये बड़े बड़े वाटर स्लाइड हैं। ये वाटर स्लाइड मैंने एंजॉय नहीं किया था दोस्तों, काफी डेंजरस थे ये वाटर स्लाइड, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। काफी बड़े बड़े हैं, कई डिफरेंट तरह के हैं, कुछ इस तरह से इसके भी अंदर आप आकर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्टाफ रहता है वो बताते हैं दोस्तों किस तरह से आपको इस वाटर स्लाइड को एंजॉय करना है, अगर आप उस तरह से करते हैं तो आप एकदम सेफ तरीके से कर पाएंगे। अगर आप स्लाइड करते समय डरते हैं, हाथ इधर उधर लेके जाते हैं, तो आपको चोट लग सकती है। बहुत ही बढ़िया था दोस्तों, अगर आप इंजॉय करते हैं तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। कुछ इस तरह से अभी मैं ये ऊपर आ गया हूं दोस्तों, यहां पर जो ये स्टाफ है ये बताते हैं कि आप अपने हाथों को अपने सीने पे रखें और पैरों को एक एक के ऊपर एक रखें, तो आप एकदम सेफ तरीके से नीचे जा सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग, ये ऊपर से यहाँ का नजारा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और ऊपर आने के लिए कुछ इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई है। सबसे डिफिकल्ट काम है यही दोस्तों, जो ये ऊपर आना पड़ता है, ऊपर आते आते हालत खराब हो जाती है, और नीचे जाते समय बहुत ही ज्यादा मजा आता है अगर आपको डर नहीं लगता है। यहाँ ऊपर से इस वाटर पार्क का नजारा मैं आप लोगों को दिखाता हुआ, कई डिफरेंट तरह के यहाँ पर वाटर स्लाइड है, तो बहुत ही बढ़िया ये वाटर पार्क दोस्तों, अगर आप आते हैं तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आप इंजॉय कर पाएंगे। मैं अभी तक जो सबसे ज्यादा वाटर पार्क में इंजॉय किया हूँ दोस्तों, वो है बीके वाटर पार्क, वहां पर मैंने बहुत ही बढ़िया एंजॉय किया। इससे पहले वीडियो उसको अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आप मुंबई के नियर में रहते हैं तो बीके वाटर पार्क को आप जरूर विजिट करें। वहां पर खाने पीने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, 3 टाइम वहां पर खाने के लिए मिलता है, टिकट में ही उसका इंक्लूडेड रहता है, 850 टिकट है वहां का दोस्तों। बहुत ही बढ़िया वो वाटर पार्क है दोस्तों। ये स्विमिंग चेयर है दोस्तों, यहाँ पर मैंने 2 बार लाइन लगाया, 3री बार जाकर बैठा, 2 बार जब मैं बैठने के लिए आया दोस्तों डर डर गया, फिर वापस चले गया, 3री बार बहुत ही हिम्मत करके बैठा, क्योंकि मुझे कुछ इस तरह से वीडियो बनाना था जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। जब तक मैं फोन के स्क्रीन में देख कर वीडियो बना रहा था तब तक तो मुझे कुछ नहीं पता चला, बाद में जब मैं वीडियो बनाना बंद कर दिया तो मुझे चक्कर आने लगा दोस्तों। इस स्विमिंग चेयर में उतरने के बाद मुझे 10-15 मिनट लगा बराबर से स्टेबल होने में, क्योंकि ऐसा चक्कर आता है दोस्तों कुछ इस तरह से, पर मजा बहुत ही ज्यादा आता है। आप भी आकर इस स्विमिंग चेयर में जरूर बैठिएगा, उसके अंदर आप कितनी बार भी बैठ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं दोस्तों, आपको लाइन में लगाना है और लाइन में लगकर आप उसमें बैठ सकते हैं। ये शार्क हाउस है दोस्तों, इसके अंदर कई डिफरेंट तरह के राइड है जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया है, और यहाँ पर ये विंटन जॉय का लोगो है, यहाँ पर भी आप फोटो ले सकते हैं। लेजी रिवर का यहाँ से एंट्री है दोस्तों, तो यहाँ से जाकर आप लेजी रिवर में जरूर ट्राई करिएगा, और यहाँ पर ये स्पाइडर मैन बैठा हुआ है,
इस ब्रिज के ऊपर बहुत से लोग बहुत ही बढ़िया बढ़िया रील बनाते हुए मुझे दिखे। यहाँ पर अगर आप ग्रुप में आते हैं तो बहुत ही ज्यादा इंजॉय करेंगे दोस्तों, अगर आप अकेले आते हैं तो एकदम बोरिंग बोरिंग सा आपको यहाँ पर लगेगा। इससे पहले मैं एक वाटर पार्क में गया हुआ था बिरार में अपने दोस्तों के साथ, तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया था। यहाँ पर तो बस सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही मैं आया हुआ था दोस्तों, थोड़ा बहुत मुझे जो इंजॉय करने के लिए मिला वो भी मैंने किया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही क्लीन, बहुत ही साफ सुथरा ये वाटर पार्क आपको दिखेगा। ऐसे एरो के निशान दिख जाएंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, आपको जाने में आसानी होगी। बहुत ही बड़ा वाटर पार्क है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया वाटर पार्क है। ऐसे कई जगहों पर आपको ऐसे पॉइंट दिख जाएंगे जहाँ पर आप बैठ कर खा पी सकते हैं। तो मैं अभी आ चुका हूँ ये बड़े वाले राइड के पास। मैंने यहाँ पर एक राइड ट्राई किया है, उसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। उस राइड का नाम है फैमिली रिवर राइड, तो बहुत ही बढ़िया था दोस्तों, बहुत ही सेफ था, तो उसे मैंने इंजॉय किया है, वो मैं आगे आप लोगों को दिखाने वाला। और ये सब आप लोग इस राइड को आकर यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा पीछे आप लोगों ने देखा होगा एक नाग बना हुआ था, तो ये वाला राइड है दोस्तों, इसमें भी आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। ये ब्लैक वाला एक राइड है दोस्तों, घूमते घूमते कुछ इस तरह से आप नीचे की तरफ जाएंगे और यहीं पर है फैमिली रिवर राइड। वो मुझे राइड बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, उसमें मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। थोड़ा सा उसके अंदर का वीडियो बनाने के लिए मिला, वो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। ये वाला भी राइड बहुत अच्छा था, बहुत ही सेफ था दोस्तों, पर सबसे बढ़िया राइड था ये वाला फैमिली रिवर राइड। ये कुछ इस तरह से टूप रहता है दोस्तों, इसके अंदर तीन लोग बैठते हैं और इस राइड को एंजॉय करते हैं। देखिए कुछ इस तरह से रहता है, बहुत ही सेफ है ये दोस्तों, आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है ना गिरने की जरूरत है, एकदम बढ़िया से एंजॉय कर पाएंगे। मैं यहाँ पर आकर लाइन में खड़ा था, मैं सिंगल था दोस्तों, तो दो लोग मुझे मिले फिर जाके ये राइड मैं एंजॉय कर पाया। तो अगर आप ग्रुप में आते हैं तीन तीन लोगों का ये राइड है तो आप ऐसे कुछ एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप दो लोग आते हैं तो दो लोगों का ये बाजू वाला राइड है दोस्तों, जो येलो कलर का ट्विप है, अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये वाला जो है दोस्तों, तो इसमें बैठकर आप एंजॉय कर पाएंगे। पर इसमें आपको पलटी होने का डर रहता है, अगर आप थोड़ा भी डिसबैलेंस होते हैं तो इसमें आप गिर सकते हैं। लेकिन जो ये फैमिली रिवर राइड है इसमें गिरने का कुछ भी टेंशन नहीं दोस्तों, ये वाले में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। पर यहाँ पर लाइन भी बहुत ही बड़ी बड़ी लगती है तो थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों, पर मजा उससे भी ज्यादा आता है। देखिए कुछ इस तरह से रहता है, एकदम सेफ, एकदम बढ़िया से इस राइड को आप इंजॉय कर सकेंगे कुछ इस तरह से। तो इसमें मैं बैठकर अभी नीचे की तरफ जाने वाला हूं दोस्तों, इनके बाद हमारा नंबर था, तो बहुत ही मजा आया। अच्छे से वीडियो अंदर का बनाने के लिए नहीं मिला दोस्तों, इस तरह से ही अंदर का वीडियो बनाने के लिए मिला दोस्तों। जब तक मैं संभलता अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करता तब तक इस राइड का एंड हो चुका था। कुछ टाइम ऐसा पैक रहता है दोस्तों, उसके बाद कुछ इस तरह से ये राइड ओपन हो जाती है और यहाँ पर आकर एंड हो जाती है। बहुत ही सेफ, बहुत ही बढ़िया ये राइड थी, इसलिए यहाँ इसके अंदर मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया दोस्तों। वापस से मैं ट्राई कर रहा था पर मुझे कोई और साथ में मिला नहीं, तो इसलिए एक बार ही करने के लिए मिला। यही वो राइड थी दोस्तों, कुछ इस तरह से आप ग्रुप में आते हैं तो बहुत ही ज्यादा इस राइड को एंजॉय कर पाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर लगा मुझे दोस्तों, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो आगे और भी बढ़िया बढ़िया मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, तो उसके लिए प्लीज सपोर्ट करना ना भूलिएगा। ये जो दोस्तों स्विमिंग पूल है, इसके अंदर बच्चे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, बड़े तो करते ही करते हैं पर बच्चे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। बच्चों के लिए वाटर स्लाइड भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो अगर आप अपने बच्चों को लाते हैं तो आपके छोटे बच्चे बहुत ही ज्यादा इंजॉय करेंगे। यहाँ पर अगर आप गोला खाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, कॉटन कैंडी मिल जाएगा, पर उसका जो प्राइस है 50 रुपया था दोस्तों, मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा। यहाँ पर देखिए ये स्विंग चेयर है, इसको जरूर आप ट्राई करिएगा, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। और यहाँ पर देखिए छोटे बच्चों के लिए वाटर स्लाइड, छोटे बच्चे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं दोस्तों, आप अपने छोटे बच्चों को यहाँ पर लाकर बढ़िया से एंजॉय करवा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, ये जो पानी है ये आपके बच्चों के शरीर के अंदर ना जाए, आपके शरीर के अंदर ना जाए, क्योंकि इसे क्लीन करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल होता है, आप बीमार पड़ सकते हैं दोस्तों, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें। विंटेन जॉय का यहाँ पर ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ, तो यहाँ पर भी आप बढ़िया बढ़िया फोटो ले सकते हैं। और ये बेव पूल के पास मगरमच्छ बना हुआ, तो यहाँ पर भी आप आकर बढ़िया बढ़िया फोटो ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको ये सब दिखेगा पॉइंट दोस्तों। भी एग्जिट लेने वाला हूँ, और जैसे ही मैं गेट के बाहर निकला तो दोस्तों यहाँ पर मुझे दिखे कुछ लोग घोड़े लेके खड़े रहते, तो इस पे बैठकर एक अच्छा सा राउंड आप लगा सकते हैं, तो एक बार ये भी आप ट्राई करिएगा। मैं जब दोस्तों वापस
अपने घर के लिए आ रहा था, तो मैं बस से ही ट्राई कर रहा था, तो बस नहीं मिला। सुबह ही मैंने देख लिया था दोस्तों, तो शाम के 6 बजे के आसपास बस यहाँ से नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसी दिन वंदे भारत एक्सप्रेस में टिकट बुकिंग किया। थोड़ा सा कॉस्ट महंगा पड़ा दोस्तों, पर काफी बढ़िया बहुत ही अच्छे टाइम पे ये लाकर मुझे कल्याण छोड़ दी। ये जब मैं सिडी के लिए जा रहा था दोस्तों, बाईपास से बैठकर 1-2 बजे रात को पता नहीं इस होटल पे ले जाकर ये रुके थे, तभी का मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लगा दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग इतने सारे यहाँ पर बस एक लाइन से खड़े हुए थे। इसमें से ज्यादातर बस दोस्तों सिरडी और मालेगांव धुलिया इसी लोकेशन के लिए थे। बहुत ही बढ़िया ये पॉइंट था दोस्तों, यहाँ पर मैंने चाय भी पिया था, 20 रुपीज की एक चाय थी, पर बहुत ही बढ़िया था। भीड़ आप लोग देख रहे हैं, ये रात के 2 बजे का सीन है जो आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर खाने के लिए भी काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल थे, तो अगर आप बाईपास से जाते हैं तो ज्यादातर बस इसी ढाबे पे ले जाकर रोकते हैं और यहाँ पर आप कुछ खा पी सकते हैं। बस बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहाँ पर दिख रही थी दोस्तों, पर जो मेरी बस थी वो सिटिंग बस थी, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई। अगर आप स्लीपर में जाते हैं तो सोते सोते रात में आप सुबह जाकर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। चाय भी यहाँ की बहुत ही अच्छी थी, और जो बस है दोस्तों सिरडी में इसी बस स्टॉप के पास लाकर छोड़ती है। ये बस स्टॉप सरकारी बस स्टॉप है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बना हुआ, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही क्लीन है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और यहाँ से कई लोकेशनों के लिए बस आपको मिल जाएगी, यहाँ से भिवंडी, कल्याण, आदर्श और भी कई लोकेशनों के लिए बस मिलती है। उसका टाइमिंग है दोस्तों, अगर आप उस टाइमिंग पे आते हैं तो यहाँ से बस में बैठ कर अपने लोकेशन पर एकदम आसानी से पहुँच सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे कर रहा हूँ एंड, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। बहुत ही जल्द मिलूंगा एक नए वीडियो में।